कैसे हम मार्केटिंग करें ताकि हम भी अपने छोटे बिजनेस को बड़े लेवल पर लेकर जाए, उसके कुछ तरीके मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहला मार्केटिंग करने का तरीका है प्लानिंग एंड बजटिंग। जब भी कोई भी बिजनेस अगर ये प्लान कर रहा है कि मुझे मार्केटिंग करनी है, तो उसको प्लानिंग एंड बजटिंग करना बहुत ज़रूरी है। किस चीज़ की प्लानिंग होनी चाहिए, किस चीज़ की बजटिंग होनी चाहिए? तो सबसे पहला प्लानिंग होना चाहिए डिपार्टमेंट का, कि पहले उसको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे मेरे वहाँ पे मार्केटिंग का एक डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा और उसके लिए मुझे मार्केटिंग वाला बंदा लाना पड़ेगा। समझना, प्लानिंग सबसे पहले कि मेरे वहाँ पर जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है, जैसे परचेस डिपार्टमेंट है, जैसे मेरा अकाउंट डिपार्टमेंट है, जैसे मेरा एचआर डिपार्टमेंट है, उसी तरीके से मेरे वहाँ पर एक मार्केटिंग का डिपार्टमेंट भी होना चाहिए। जैसे मेरे यहाँ पे सेल्स का हेड है या सेल्स की टीम है, जैसे मेरे वहाँ पे अकाउंटिंग का पर्सन है, जैसे मेरे पे एचआर है, वैसे मेरे वहाँ पे मार्केटिंग का एक पर्सन होना। तो पहली प्लानिंग डिपार्टमेंट होना चाहिए मार्केटिंग का और उसके लिए डेडिकेटेड टीम होने चाहिए। उसके बाद आपको प्लान करना है बजट कि पूरे साल के अंदर मैं कितना मार्केटिंग के ऊपर खर्चा करूंगा या हर महीने मैं कितना खर्चा करूंगा। और बहुत छोटे अमाउंट से आप शुरुआत कर सकते हो। पता है आपको छोटा से छोटा अमाउंट कितना हो सकता है मार्केटिंग का? 0 रुपए से आप अपने मार्केटिंग के शुरू कर सकते हो। हम सबके पास सोशल मीडिया अकाउंट है, कंपनी का है, हम सबके पर्सनल होते हैं। आपसे पूछ रहा, आपकी कंपनी का सोशल मीडिया अकाउंट है? समझो, सबसे पहले वहां से शुरू करो। इसके लिए कितना खर्चा होगा? 1 रुपया भी नहीं, राइट? बजटिंग बहुत जरूरी। लेकिन ये पता है कब पॉसिबल है? जब आपके पास इसकी पूरी प्लानिंग करोगे तब, आपके पास मार्केटिंग का डिपार्टमेंट होगा तब। तो आपने डिपार्टमेंट बनाया, टीम हायर कर लिया, आपने बजट, अब आपके पास जितना भी बजट अवेलेबल है आप उसमें लगा सकते हो। मैंने बताया 0 रुपए से लेके आप हजारों लाखों रुपए तक जा सकते हो। जैसे आपका बिजनेस, जितना बड़ा आपका बिजनेस आप उतना मार्केटिंग के लिए बजट निकाल सकते हो, राइट? चौथी है प्लेटफॉर्म। अब आपको डिसाइड करना है कि मुझे कौन से प्लेटफॉर्म पर अपनी मार्केटिंग करनी है। मुझे डिजिटल जाना है, फिजिकल जाना है, या दोनों करना है? जैसे मैं कल के दिन में बता रहा था आप लोग को, मार्केटिंग का 3 तरीका होता है, ATL अबो द लाइन, BTL बिलो द लाइन, एंड TTL थ्रू द लाइन। मतलब आप बड़े लेवल पर करोगे, आप छोटे लेवल पर करोगे, या आप दोनों करोगे? आप होर्डिंग लोगे, पेपर एड करोगे, या फिर आप सोशल मीडिया पर जाओगे, आप वीडियोज़ के जरिए जाओगे, या दोनों करोगे? डिसाइड आपको करना है कि मैं कौन सा प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि हर एक मार्केटिंग के लिए या हर एक कंपनी के लिए प्लेटफॉर्म अलग अलग हो सकते हैं। समझना, एक ही मार्केटिंग का तरीका सब जगह नहीं चलेगा। अगर आपकी रिटेल की दुकान है तो आप सोशल मीडिया बाद में कवर करो, सबसे पहले आपकी दुकान को आप थोड़ा सा डेकोरेट करो। अभी परसों के दिन में हम एक कंपनी में गए थे और उनका रिटेल का आउटलेट था, तो उन्होंने बताया, बोला सर कि हमारे वहाँ पे कस्टमर हमारे वही आते हैं जो हमारे साथ सालों से जुड़े, नया कस्टमर नहीं आ रहा है। तो हम थोड़ा सा बाहर से उनके शोरूम वोरूम को देखा ना, हमने बोला सर पता है आपको क्यों नहीं आ रहा है? बोले क्यों? आपकी दुकान दिख ही नहीं रही है। हमने उनके 3-4 चीज़ें खाली चेंज करवाई। पहला कि उनका जो शोरूम था, मैंने बोला सर बाहर बढ़िया सा लाइट लगा दो, अभी चाइना वाला लाइट चल रहा है, समझो कितने में आता है, 100 से 200 रुपए में, राइट? पहली चीज। दूसरी चीज, आपके जो सेल्समैन है कपड़े अच्छे पहन के आ रहे हैं, टाई लगा दो। समझना,
कपड़े पहन के तो यार खाली टाई लगा दो, आप बैनर पोस्टर बनाने ही वाले हो, बैनर पोस्टर बना के एक स्टैंडी बना दो और आपकी दुकान जहाँ पे वहाँ बाहर दुकान पे आप बाहर स्टैंडी लगा, शाम को जाओ स्टैंडी को आप अंदर रख दो, सुबह में आओ स्टैंडी खोल के ऊपर, आपकी विजिबिलिटी बढ़ गई। समझो आप यहाँ जाओगे ना भागल में, तो भागल के टाइम पे, भागल में इस टाइम पे आप जाओगे ना तो उनका सबसे बेहतरीन जो कपड़ा एक ही पीस होता है, सबसे अच्छा कपड़ा एक ही होता है उनका, और बाहर जो डमी होती है ना उसी को पहनाते हो। सबसे बेहतर कपड़ा या सबसे अट्रैक्टिव, सबसे फैशनेबल कपड़ा जो अभी ट्रेंड में है वो उस डमी को पहनाते हैं, और वही डमी बाहर जो होती है दिखता है वो दिखता है। तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा प्लेटफॉर्म, क्योंकि रिटेल के लिए अलग हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग हो सकता है, और दूसरे बिजनेसेस के लिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है, राइट? तो पहला है मार्केटिंग करने का तरीका कि आपको प्लानिंग और बजटिंग करना पड़ेगा। इन चीज़ों की प्लानिंग कीजिए और बजट बनाइए, पहला तरीका।